गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर फार्मेकोलॉजी क्लास इन विच टुडे वी विल डिस्कस आर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ कीमोथेरेपी. एक्चुअली वेरियस ड्रग्स कम अंडर दिस यूनिट कीमोथेरेपी. ड्रग्स लाइक सल्फोनामाइड्स, क्विनोलॉन्स, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम्स, तो इस तरह से बहुत सारी एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी वैक्ल, एंटी वायरल, एंटी हेलमेंटिक सारी ड्रग्स इसके अंदर आ रही होती हैं. तो उन सब में से आज जो हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है क्विनोलॉन्स. ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस कीमोथेरेपी के अंदर जो हमारे को आज पढ़ना है. देखिए, क्विनोलॉन्स सबसे पहले 1960s में डेवलप किए गए थे. ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं क्योंकि इनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है. उसकी जनरेशन के बेस पर सबसे पहले इसको क्लासिफाइड किया गया था. सबसे पहले नेलिडिक्सिक एसिड 1962 के अंदर जो है वो डेवलप की गई थी, जिसका स्ट्रक्चर जो है आप नीचे देख सकते हैं. तो अगर अब हम क्लासिफिकेशन देखें तो मैंने बोला जैसे कि क्विनोलॉन को है जो हम जनरेशन के बेसिस पर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस तरह से जनरेशन के बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं. इसमें सबसे पहली जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग डेवलप की गई थी वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया ना ये कौन सी ड्रग्स हैं जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रखती है. एंटी माइक्रोबियल का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो अपना वर्क कर रही होती हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे कॉमनली जो पैथोजेंस हम पढ़ते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया. बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, उनके सेल वॉल के बेसिस पर. तो सबसे पहली जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग थी वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट डेवलप की गई थी, जैसे स्यूडोमोनास स्पीसीज. दूसरी सेकंड जनरेशन वो ग्राम नेगेटिव और कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी इंक्लूडेड थे, और माइकोबैक्टीरिया जिसकी दो स्पीसीज आपने पढ़ी हुई हैं, ट्यूबरक्यूलाई और लेप्रसी, लैप्री. तो माइकोबैक्टीरिया भी सेकंड जनरेशन में आता है. थर्ड और फोर्थ जनरेशन में इनकी, इन ड्रग्स की एक्टिविटी जो है वो बढ़ा दी गई थी ग्राम पॉजिटिव पैथोजन के अगेंस्ट. क्योंकि सेकंड में तो मैंने कहा कुछ ग्राम पॉजिटिव इंक्लूडेड थे, इसमें ग्राम पॉजिटिव पैथोजन के अगेंस्ट एक्टिविटी बढ़ा दी गई थी, जैसे स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी वगैरह इसमें इन्वॉल्व किए गए थे. इसके अलावा जोनोटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी और माइकोबैक्टीरिया के इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी ये ड्रग्स जो हैं वो काफ़ी इफेक्टिव थी. जोनोटिक इन्फेक्शन वो होता है जो ह्यूमंस को एनिमल्स से मिलता है इन्फेक्शन, वो जोनोटिक इन्फेक्शन होता है. अब ये जो क्लासिफिकेशन है इन चारों जनरेशन के ड्रग्स का, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर ड्रग्स आती है, एक तो ये देखिए आप याद करिए, एक्सेसन जो है, XACIN, ये सारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं. एक्सेसन तो सिनोक्सेसन, नेलिडिक्सिक एसिड, ऑक्सोलिनिक एसिड, ये तीनों फर्स्ट जनरेशन के ड्रग्स हैं. सेकेंड जनरेशन में आती है सिप्रोफ्लॉक्सेसन, एनोक्सेसन, फिरोक्सेसन, लोमीफ्लॉक्सेसन, लीवोफ्लॉक्सेसन, नॉरफ्लॉक्सेसन, ऑफ्लॉक्सेसन, रल्फ्लॉक्सेसन, ये सेकेंड कंप्लीट हो गई. थर्ड जनरेशन में गेटीफ्लॉक्सेसन, ग्रिपाफ्लॉक्सेसन, पेजूफ्लॉक्सेसन, स्पारफ्लॉक्सेसन और टॉसूफ्लॉक्सेसन ड्रग्स आती हैं. फोर्थ जनरेशन में क्लाइनाफ्लॉक्सेसन, जैमीफ्लॉक्सेसन, मॉक्सीफ्लॉक्सेसन और ट्रोवाफ्लॉक्सेसन ड्रग्स आती हैं. अब ये जो हमने इतने सारे नाम लिए हैं इन सारे ड्रग्स के, ये सब क्विनोलॉन्स हैं, इन सारे ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन आपको दिखाया गया. आप जानते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो सभी सेल के न्यूक्लियस के अंदर, चाहे वो हमारी सेल हो चाहे वो बैक्टीरिया के सेल हो, उनके न्यूक्लियस में पाया जाता है. इसका रेप्लिकेशन होता है तभी बैक्टीरिया या हमारी सेल जो है वो डिवाइड करती है. रेप्लिकेशन में पहले क्या होता है, अनवाइंडिंग, फिर उसके बाद उसके वो जो दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे उनको होल्ड करने वाला एंजाइम होता है, फिर उनको तोड़ने वाला एंजाइम होता है. तो उनको तोड़ने वाला, ये बीच में कहीं गांठ ना पड़ जाए, उसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम हम पढ़ते हैं टोपो आइसोमिरेज, अगर आप लोगों को याद हो तो. टोपो आइसोमिरेज नाम का हम एंजाइम पढ़ते हैं, गायरेज भी हम उसी को एंजाइम को कहते हैं. गायरेज या टोपो आइसोमिरेज का काम क्या होता है कि डीएनए का जब रेप्लिकेशन हो रहा है तो टॉर्जन को रिमूव करने के काम में आ रहा होता है ये गायरेज या टोपो आइसोमिरेज.
तो जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं वो टाइप टू बैक्टीरियल डीएनए टोपो आइसोमेरेज को इनहिबिट कर देती हैं, डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर देती है, टोपो आइसोमेरेज फोर्थ को इनहिबिट कर देती है। ये काम है इस ड्रग का। तो ये इनहिबिट होते ही क्या होगा, टॉर्शन रिमूव नहीं होगा, टॉर्शन रिमूव नहीं होगा तो बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, और डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा मतलब बैक्टीरिया रेप्लिकेट नहीं करेगा तो बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन बंद हो जाएगा। ये क्या कर देते हैं, दे बाइंड टू एंड ट्रैप द एंजाइम डीएनए कॉम्प्लेक्स। ये डीएनए कॉम्प्लेक्स एंजाइम से बाइंड होकर के उसको ट्रैप कर लेते हैं, जिससे कि डीएनए सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगा। डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा तो सेल ग्रोथ नहीं होगी, अल्टीमेटली सेल पर इसका लीथल इफेक्ट पड़ता है और वो सेल वही ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से क्विनोलॉन जो है अपना एक्शन दिखाती है, कैसे कि वो डीएनए टोपो आइसोमेरेज गायरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिससे डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाता, सेल ग्रोथ नहीं कर पाती, अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हमारे को पढ़ना है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्विनोलॉन्स पढ़ रहे हैं। क्विनोलॉन्स ड्रग्स एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं। एंटी माइक्रोबियल में बैक्टीरिया जैसे ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, माइकोबैक्टीरियम वगैरह के ऊपर ये अपना एक्शन दिखाती है, उनको उनकी सेल को किल कर देती है, उनको डिवाइड नहीं कर देती। कैसे डिवाइड कर देती है, उनके डीएनए सिंथेसिस को ये रोक देती है। अब ये जो ड्रग्स हैं इनके स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी हम देखें तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स बैक्टीरियल एजेंट्स के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा पोटेंट होती है, जैसे कि ईकोलाई, इसके अलावा साल्मोनेला, शाइजेला, एंटीरोबैक्टीरिया, कैंपाइलोबैक्टीरिया, नाइजीरिया की भी जो वेरियस स्पीसीज है, नाइजीरिया, गोनोरी वगैरह, उन स्पीसीज़ के अगेंस्ट भी ये अपना एक्शन दिखाती हैं। ये सारे बैक्टीरियाज हैं जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े थे, ईकोलाई, साल्मोनेला, शाइजेला, एंटीरोबैक्टर, कैंपाइलोबैक्टर, नाइजीरिया वगैरह। अब सेप्रोफ्लॉक्सासिन ज़्यादा एक्टिव है नॉरफ्लॉक्सासिन के कंपैरिजन में। स्यूडोमोनास एरुजिनोसा भी एक बैक्टीरिया ही है, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा के अगेंस्ट में सेप्रोफ्लॉक्सासिन नॉरफ्लॉक्सासिन के कंपैरिजन ज़्यादा एक्टिव है। इसी तरह से फ्लोरोक्विनोलॉन की भी एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी पाई जा रही होती है स्टेफेलोकोकाई पर, स्पेशली जो स्टेफेलोकोकाई की मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन होती है, कुछ स्ट्रेन्स पाई जाती है, मेथिसिलिन भी ड्रग का ही नाम है, तो उनके ऊपर मेथिसिलिन एक्शन कर नहीं पाती कुछ स्टेफेलोकोकाई के ऊपर, तो उसके लिए अपन क्या दे सकते हैं, फ्लोरोक्विनोलॉन दे सकते हैं। इसी तरह से कई सेवरल इंट्रासेल्युलर बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फ्लोरोक्विनोलॉन के द्वारा इनहिबिट हो जाते हैं, जैसे कि क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, लेजियोनेला, ब्रूसेला। ब्रूसेला जो है वो जोनोटिक डिजीज़ कॉज करता है, बहुत ख़तरनाक बैक्टीरिया है। इसके अलावा माइकोबैक्टीरिया भी, स्पेशली ट्यूबरक्यूलाई के अगेंस्ट में इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया हैं ये, उनके अगेंस्ट भी, उनको भी इनहिबिट करने का काम फ्लोरोक्विनोलॉन करती है। अब ये तो था कि स्पेक्ट्रम कैसा था, कौन कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन कौन से ड्रग्स एक्ट कर रही थी। अब मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या है इन ड्रग्स के अगेंस्ट में, तो क्विनोलॉन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप हो जाता है म्यूटेशन की वजह से। आप थेरेपी जब दे रहे होते हो क्विनोलॉन की, तो हो सकता है बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए कि उसका जो डीएनए गायरेज है, क्रोमोसोम जीन का एनकोड करने वाला डीएनए गायरेज और टोपो आइसोमेरेज फोर्थ है, या हो सकता है उनके अंदर तो इन ड्रग्स के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है बैक्टीरिया के बाहर, उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए। तो रेजिस्टेंस डेवलप होते ही ये ड्रग्स अपना असर नहीं दिखाएंगी और बैक्टीरिया किल नहीं होगा। कैसे, डीएनए गायरेज के अगेंस्ट, टोपो आइसोमेरेज वगैरह, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो ड्रग का हो रहा होता है बैक्टीरिया से बाहर, उसके लिए बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन डेवलप हो जाए, चेंज डेवलप हो जाए, तो दवाइयाँ असर नहीं दिखाएगी। जैसे वो जो मैंने कहा कि लास्ट पॉइंट बोला कि बाहर निकल रही हैं, वो होता है इफ्लक्स पंप, उसको अपन इफ्लक्स पंप कहते हैं। ये देखो, ये बैक्टीरिया की सेल दिखाई गई है, उसके अंदर डीएनए दिखाया गया है, तो बैक्टीरिया के जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाता है फॉर बाइंडिंग साइट्स कॉजेज रेजिस्टेंस। तो बाइंडिंग साइट के, वो ड्रग जहाँ पर बाइंड होगी उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, ये ड्रग बाइंड नहीं हो पाती, बाइंड नहीं हो पाती, तो ये देखिए इफ्लक्स पंप के थ्रू सेल वॉल पे इफ्लक्स पंप आ जा रहा है, उसके थ्रू वो जो है बाहर निकल जाती है। इफ्लक्स पंप इसमें लेस पॉटेंट है, लेस कॉमन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, हालांकि ज़्यादा कॉमन कॉज नहीं है रेजिस्टेंस के लिए, पर फिर भी इफ्लक्स पंप का रोल होता है। तो ड्रग जो है वो फिर बाइंड ही नहीं हो पाएगी, बाइंड नहीं हो पाएगी, डीएनए सिंथेसिस को वो नहीं रोक पाएगी और बैक्टीरिया मर नहीं पाएगा। तो ये रेजिस्टेंस का पैटर्न है। अब फार्माकोकाइनेटिक दवाइयाँ लेना देना कैसे करेंगे भैया आप,
तो देखिए, नॉरफ्लॉक्सासिन ओरली दे सकते हो, इसका 50% एब्जॉर्प्शन होता है, 4 से 4 घंटे की हाफ लाइफ होती है। एन यूरिया के साथ में वो निकल, एन यूरिया ये कॉज कर देती है एक्चुअली। और डिस्पोजिशन मेटाबॉलिज्म 20% होता है और रेजिस्टेंस 27% होता है। इसके बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिन ओरली भी दे सकते हो, आईवी भी दे सकते हो, 75% एब्जॉर्प्शन होगा, हाफ लाइफ इसकी 4 घंटे की हाफ लाइफ है। टेनिन एन यूरिया रेजिस्टेंस इसका 50% रेजिस्टेंस, 50% मेटाबॉलिज्म है इसका। लिवोफ्लॉक्सासिन ओरली आईवी दोनों दे सकते हो, 98% एब्जॉर्प्शन है, 7 घंटे हाफ लाइफ है, रेजिस्टेंस 80% में डेवलप हो जाता है। गेटीफ्लॉक्सासिन ओरल आईवी दोनों दे सकते हो, 96% एब्जॉर्प्शन, 7 से 8 घंटे की हाफ लाइफ, रेजिस्टेंस 70% होता है। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ओरली भी दे सकते हो, आईवी भी दे सकते हो, 89% इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, 10 से 14 घंटे तक ये आपकी बॉडी में रहेगी, 20% में रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है और 25% ये लीवर में जाकर के मेटाबोलाइज्ड हो जाती है। रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं तो मैंने आपको बार बार बताया भाई, रेजिस्टेंस डेवलप होने बाद वो दवाई अपना असर नहीं दिखाती, इसलिए आपने कई बार देखा है ना कि डॉक्टर आपको कहता है, दवाई लिख करके पेशेंट को दी और उस वो ये कहता है कि 3 दिन के बाद वापस आना हो, 3 दिन के बाद वापस आने के लिए इसलिए कह रहा होता है कि वो ये देखता है कि दवाई ने अपना असर दिखाया या नहीं दिखाया, नहीं दिखाया मतलब रेजिस्टेंस डेवलप हो गया होगा, तो वो मेडिसिन को चेंज करके देते हैं। तो वो रेजिस्टेंस है यहाँ पर जो अपन पढ़ रहे हैं। इसके अलावा नाइट्रोफ्लोरेंटॉय ओरली दे सकते हो, एडिक्वेट इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एग्जैक्टली कितना होता है हमें पता नहीं है पर एडिक्वेटली एब्जॉर्ब ये हो जाती है, 0.6 से 1.2 इसकी हाफ लाइफ, इतने आवर्स की हाफ लाइफ है, रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिज्म टिश्यू में होता है। पॉलीमिक्सिन बी टॉपिकली भी दे सकते हो, सरफेस के ऊपर लगा सकते हो, ओरली भी दे सकते हो, आईवी भी दे सकते हो, एडल्ट में ये एब्जॉर्ब नहीं होती है पर चिल्ड्रन में ये एब्जॉर्ब हो जाती है, 6 घंटे हाफ लाइफ है अगर आप आईवी देते हो, तो रेजिस्टेंस इसका भी डेवलप होता है। अब क्लिनिकल यूज़ क्या है भाई, फ्लोरोक्विनोलॉन के क्या क्या काम आ रही है भैया, कहाँ कहाँ काम आएगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक में काम आती है, यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन, आरटीआई, यूटीआई, स्किन स्ट्रक्चर के इन्फेक्शन के अंदर इसका रोल होता है। तो देखिए इसका रोल पहले आप याद कर लीजिए, फिर कैसे कैसे रोल होता है वो हम इसका अभी देखते हैं कि पहला तो हमने कहा आरटीआई के अंदर रोल है, दूसरा यूटीआई के अंदर, तीसरा स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन के अंदर, चौथा ऑस्टियोमाइलाइटिस में, नेक्स्ट 5वां एसटीडी के अंदर रोल होता है, फिर बैक्टीरियल माइकोबैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट, 6 चीज़ों में रोल है, आरटीआई, यूटीआई, स्किन स्ट्रक्चर, ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी बोन के अंदर, एसटीडी यानी सेक्सुअल डिजीज़ के अंदर, माइकोबैक्टीरियल डिजीज़ जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई लैप्री वगैरह से फैल रही होती है। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये फेरिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया में काम में लेते हैं पर ज़्यादा अच्छा असर नहीं दिखाती, पर नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मतलब कान के अंदर नेक्रोसिस हो रहा हो तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हो स्यूडोमोनास एरुजिनोसा के अगेंस्ट में, क्योंकि जनरली स्यूडोमोनास से ही होती है नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस। इसके अलावा नेजल में अगर साइनसाइटिस हो रहा है तो थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन दे सकते हो, कम्युनिटी की वजह से निमोनिया हो रहा है तब भी यही सेम मेडिसिन दे सकते हो, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में निमोनिया हो गया तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हो जो ससेप्टेबल ग्राम नेगेटिव पैथोजन के अगेंस्ट में दी जाती है। अब यूटीआई किसी को हुआ है तो यूटीआई में सिस्टाइटिस हुआ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो सेकेंड जनरेशन की ड्रग्स वैसे सभी इफेक्टिव हैं पर सेकेंड जनरेशन की ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानी जाती है। इसी तरह से पाइलोनेफ्राइटिस जिसको हनीमून ट्रॉमा भी कहा जाता है, इसमें भी सभी मेडिसिन इफेक्टिव है पर सेकंड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। प्रोस्टेटाइटिस जो मेल में देखा जाता है प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन, इसमें भी सभी मेडिसिन इफेक्टिव है, आप सभी मेडिसिन दे सकते हो। स्किन के अंदर इन्फेक्शन हुआ है तो प्राइमरी सेल्यूलाइटिस हुआ है तो फर्स्ट लाइन की थेरेपी अप्रोप्रिएट नहीं है। इसी तरह से एनएरोबिक सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन हुआ है तब भी ये ज़्यादा इफेक्टिव अप्रोप्रिएट नहीं मानी जाती है। ऑस्टियोमाइलाइटिस किसी को हुआ हो हड्डियों के अंदर तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुआ है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हो। बैक्टीरियल डायरिया किसी को हुआ है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है, बाकी भी जो हैं वो भी इफ़ेक्टिव ही मानी जा रही होती है बैक्टीरियल डायरिया डिजीज़ के अंदर।
एसटीडी हुआ है, गोनोरी, नाइजीरिया गोनोरी की वजह से हुआ है, यानी गोनोरिया नाम की बीमारी हुई है, तो रेजिस्टेंस टेस्टिंग रिक्वायर्ड। तो पहले हमारे को देखना पड़ेगा कि उस बैक्टीरिया ने कोई रेजिस्टेंस तो नहीं डेवलप कर लिया, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन मेडिसिन देंगे। रेजिस्टेंस नहीं है तो दे दीजिए आप दवाई, नहीं तो मत दीजिए। क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हुआ है तो ऑफ्लॉक्सेसिन और लिवोफ्लॉक्सेसिन आप दे सकते हैं। कैंक्रॉइड हुआ है तो सभी मेडिसिन इफेक्टिव मानी जाती है। माइकोप्लाज्मा, ऑफ्लॉक्सेसिन और लिवोफ्लॉक्सेसिन दे सकते हो। और सिफिलिस हुआ है तो इसके लिए ये दवाइयाँ अप्रोप्रिएट नहीं पानी जाती हैं। लास्ट, माइक्रोबैक्टीरियल डिजीज़ हुई है तो डिसेमिनेटेड अगर ये डिजीज़ है तो सिप्रोफ्लॉक्सेसिन ऑफ्लॉक्सेसिन दे सकते हो। ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ है तो ऑफ्लॉक्सेसिन लिवोफ्लॉक्सेसिन फॉर ड्रग रेजिस्टेंस, अगर ड्रग रेजिस्टेंस हो गया तब तो ये दे सकते हो। और इनटॉलरेंस टू फर्स्ट लाइन एजेंट्स के अगेंस्ट ये इनटॉलरेंस दिखाता है। अब इन मेडिसिंस का क्विनोलॉन्स वगैरह के नुकसान क्या है भाई हमारे शरीर पर, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन पर ही अपना इफेक्ट दिखाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एजिटेशन होने लग जाता है, कभी कभार दौरे भी पड़ने लग जाते हैं। कार्टिलेज, जो ग्रोइंग कार्टिलेज है उसको ये डैमेज कर देता है, इसलिए बच्चों के अंदर नहीं देना चाहिए वरना बुढ़ापे वाले जो घुटने दर्द है बच्चों में होने स्टार्ट हो जाएंगे। थियोफाइलिनिन इंटरैक्शन हो सकता है सिप्रोफ्लॉक्सेसिन के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी एडवर्स इफेक्ट आपको दिखाया गया है नेवल पॉइंट पे, प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए क्योंकि लैक्टेशन के थ्रू बच्चे में घुस रहा होता है, बच्चों को नहीं देनी चाहिए, तो ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, इन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, बस इसके साथ आपके क्विनोलॉन नाम का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।